हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निवेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सब के बीच लेकर के आए बंधु एसएससी जीडी का वॉल्यूम 20, जिसमें कि बंधु हम प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। लेकिन बंधु, आज का जो एसएससी जीडी का क्लास होंगे वॉल्यूम 20 का, उसमें स्पेशल टॉपिक पे रहेंगे बंधु। एज से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, आयु से संबंधित प्रश्न रहेंगे बंधु, जो एसएससी जीडी के साथ साथ एमटीएस और ग्रुप डी एग्जाम में आने वाले प्रश्न रहेंगे। तो बंधु, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि सारे सवाल आप आसानी से बना सकें। और जो भाई बंधु हमसे पहली बार जुड़े हैं, नए नए जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए बंधु। और सभी भाई बंधु बहन लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए बंधु, जो आज हमारा एज से रिलेटेड सवाल रहेंगे, आयु से संबंधित प्रश्न रहेंगे, उसका प्रॉपर्टीज जानेंगे। बिना प्रॉपर्टीज का आप सवाल बनाने में मजा भी नहीं है बंधु, और समझ भी नहीं पाएंगे। तो एक लाइन में मेरा आयु खत्म हो जाएंगे। कहेंगे सर, आप एक लाइन में कैसे खत्म करते हैं? तो देखिए बंधु, हमारा एक लाइन का प्रॉपर्टीज है, उसी में सारी चीज हम खत्म करने वाले हैं। एज यानी आयु। देखिएगा बंधु, आयु का प्रॉपर्टीज क्या है? दो से अधिक व्यक्तियों का अंतर। देखिएगा बंधु, अंतर भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही स्थितियों में होता है समान। देखिए बंधु, यही एक लाइन है और इसी से सारा आयु का आपका प्रॉपर्टीज खत्म हो जाता है और आयु आपका खत्म हो जाता है। आप देखिएगा बंधु, सवाल कैसे आप फास्ट बनाएंगे इसको ध्यान दीजिएगा। हमने क्या लिखा है? सबसे पहले हमने एज डाले, आयु डाले। आयु का मतलब आप जानते हैं बंधु, उम्र संबंधित प्रश्न रहने वाले। इसे प्रॉपर्टीज आपका है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अंतर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों स्थितियों में होता है समान। तो बंधु, आप इस भाषा को समझ गए, लेकिन लग रहा होगा सर कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, एक हम यहाँ पे उदाहरण हस्बैंड और एक वाइफ का लेते हैं बंधु। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसका उम्र 25 वर्ष है और इनका उम्र बंधु 22 वर्ष है। एकदम ध्यान दीजिएगा, इसका उम्र 25 वर्ष है और इसका उम्र 22 वर्ष है। अगर हम कहेंगे 5 साल बाद, देखिए बंधु, 5 साल बाद यानी आफ्टर 5 साल बाद, देखिएगा इनका भी 5 साल बाद यानी आफ्टर बंधु, कहेंगे 5 साल के बाद इसका उम्र क्या होगा? तो कहेंगे सर 25 5 30 होगा। इसको कहेंगे 22 5 कितना होगा बंधु? 27 होगा। क्लियर है? अभी जो प्रेजेंट टाइम उम्र देख रहे हैं बंधु, वर्तमान टाइम में आप जो उम्र देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो कितने वर्ष का अंतर है बंधु? यहाँ पे देख रहे हैं 3 वर्ष का अंतर है। तो बंधु, 5 साल बाद यानी भविष्य की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद भविष्य की बात कर रहे हैं। तो बंधु देख रहे, 25 5 30 अब 22 5 27 कितना का अंतर है बंधु? 3 वर्ष का अंतर है। यानी कह सकते हैं, जो वर्तमान में अंतर है वो भविष्य में है। और भूत में देख लीजिए बंधु, 5 साल पहले तो ये हो जाएंगे 20, 5 साल पहले बंधु 22 में 5 घटाएंगे तो 17। तो बंधु यहाँ भी देख रहे कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। यानी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, भूत भविष्य वर्तमान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतर होता है समान। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं है, आप इसको आसानी से समझ गए। अब देखिएगा बंधु, इससे जो रिलेटेड प्रश्न आएंगे, आयु से जो संबंधित प्रश्न आएंगे, वो आप किस प्रकार बनाते हैं, तो देखते हैं बंधु पहला प्रश्न आयु का किस प्रकार से रहता है। चलिए बंधु, आयु का पहला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। प्रश्न है बंधु, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? तो बहुत ही साधारण प्रश्न है बंधु। दो विद्यार्थी है, मान लीजिए एक विद्यार्थी ए है, दूसरा क्या है? बी है। कहता है बंधु, इनके आयु का जो अनुपात है वो क्या है? 3:2 है।
और उनमें से एक दूसरे से कहता 5 वर्ष बड़ा है। तो बंधु अनुपात से भी आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ए जो है बी से बड़ा है, यानी एक दूसरे से बड़ा है, दोनों के बीच अंतर है यानी बराबर नहीं है, क्योंकि अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, और जो बड़ा अनुपात होता है वो बड़ा होता है, और जिसका अनुपात छोटा होता है वो छोटा होता है। तो बंधु कहता है उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो ये बंधु बड़ा अनुपात है तो ये बड़ा होगा, और ये छोटा अनुपात है तो ये छोटा होगा। तो इनसे बंधु ये बड़ा तो जरूर होगा, तो ये बड़ा कितना है बंधु, कहता 5 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब है इन दोनों के जो बीच अंतर है बंधु वो 5 वर्ष का है, यानी एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा होने का सीधा सीधी अर्थ है दोनों के बीच जो गैप है, दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने वर्ष का है बंधु, 5 वर्ष का है। और यही दोनों के अनुपात कितने का अंतर है बंधु, देख लीजिएगा 3 और 2 1 का अंतर है, यानी इससे ये 1 वर्ष बड़ा है तो इससे ये 1 वर्ष छोटा है बंधु। तो यही 1 वर्ष 1 अनुपात का जो अंतर है कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है, तो 1 = 5 वर्ष। कहता है बंधु छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो छोटे विद्यार्थी का अनुपात कितना है बंधु, 2, क्योंकि ये जिसका अनुपात छोटा होता है वो छोटा होता है बंधु। तो 2 बराबर निकालेंगे क्या हो जाएंगे, 1 = 5 वर्ष, तो 2 = 5 × 2, 5 × 2 ने कितना वर्ष बंधु, 10 वर्ष, यानी जो छोटे विद्यार्थी की आयु होंगे वो कितना होंगे, 10 वर्ष होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, 2 में है। क्लियर हो गया, आप सब इसको समझ गए, तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है देखते हैं किस प्रकार से इसको कैसे समझेंगे। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का युगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात होगा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, इसको आप आसानी से बना लेंगे। पिता यानी एफ, पुत्र यानी एस, बंधु दोनों का युग जो वर्तमान में है वो 100 वर्ष है इन प्रेजेंट टाइम। क्लियर है बंधु। आगे चल के कहता है 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष बिफोर की बात करते बंधु, उनकी आयु का अनुपात 2:1 यानी पिता 2 और पुत्र कितना बंधु, 1 के अनुपात में थी। आपसे पूछ रहा है बंधु 10 साल आफ्टर यानी 10 साल बाद, ध्यान दीजिएगा बंधु, कह रहा है 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये कितना होगा बंधु, ये कितना होगा, यही चाहिए। अब देखिए बंधु इसी से आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे ध्यान देना है बंधु। ये जो हमारा योग है वो प्रेजेंट टाइम में है, और जो अनुपात दिया है बंधु वो हमारा जो है 5 वर्ष पहले का है। तो 2:1 = 100 हम कदापि नहीं कर सकते हैं। तो बंधु कर क्या सकते, ध्यान दीजिएगा, इनकी आयु को आगे पीछे कर सकते हैं, इसको पहले भी ले जा सकते हैं, वर्तमान में तो दिया हुआ है, आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन बंधु अनुपात को आगे पीछे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो से आपका प्रॉपर्टीज आता है कि अनुपात में जोड़ेंगे घटाएंगे अनुपात परिवर्तन हो जाएगा। तो जब अनुपात परिवर्तन हो जाएगा तो बंधु गलत हो जाएगा, यानी गुणा भाग करते तो अनुपात परिवर्तन नहीं होता है, इसमें गुणा करें या भाग करें तो अनुपात जैसे का तैसे रहेगा, जोड़ेंगे घटाएंगे बंधु अनुपात परिवर्तन होगा, जो कि सवाल अब तक गलत हो जाएंगे, तो बंधु बनेगा नहीं। इसलिए आप अनुपात परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं ले जा सकते। तो किसको ले जा सकते हैं बंधु, उनके योग को ले जा सकते हैं, और पीछे भी ले जा सकते हैं, आगे भी ले जा सकते हैं। क्लियर है बंधु। वर्तमान भी ला सकते हैं अगर पीछे और आगे दिया हो तो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बंधु इनको अगर हम देख रहे हैं अनुपात जो है 5 साल पहले का है, तो इनको भी 5 साल पहले क्यों ना ले जाएं हम, तो 5 साल पहले ले जाएंगे बंधु तो 5 इसमें भी घटेगा, तो 5 इसमें भी घटेगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही स्थितियों में अंतर होता है समान। अगर 5 साल बंधु ये घटेगा तो 5 साल ये भी घटेगा, ऐसा नहीं कि अस्थिर रहेगा, अस्थिर कदापि नहीं रहेगा बंधु। तो 5-5 कितना साल घट गया, 10 साल घट गया बंधु। अगर 10 साल घट जाएंगे तो कितना होंगे, 90, यानी हम कह सकते हैं 5 वर्ष जो पहले की बात है, पिता और पुत्र के आयु का योग कितना होंगे, 90 होंगे, और इसका अनुपात दिया है बंधु 2:1, यानी 2:1 = 3 कितना बंधु, 90, 1 = कितना बंधु, 30, इसलिए 2 = बंधु 30 × 60 और 1 = कितना, 30 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे मित्र बंधु कहता है 10 साल, देखिएगा 10 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 साल बाद पहले जानेंगे बंधु, ध्यान देना है, 10 साल बाद जानेंगे, यानी कि उनका
आयु क्या है, तब जाकर के अनुपात निकालेंगे। तो बंधु ध्यान देना है, ये जो हमारा उम्र है, जो ये आयु है पिता का और जो ये आयु है पुत्र का, ये 5 साल पहले का बात है कि ये 60 है और ये 30 है। बंधु हम इसको सबसे पहले कहाँ लाएंगे, वर्तमान लाएंगे, फिर 10 साल बाद ले जाएंगे। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, अगर वर्तमान लाएंगे तो 5 साल पहले है, तो 5 साल जुटेंगे बंधु, इसमें भी क्या होगा, 5 साल जुटेंगे, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएंगे 65 और बंधु यहाँ हो जाएंगे कितना, 35। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे मित्र बंधु कि 10 साल बाद अब ले जाएंगे, ये तो वर्तमान आ चुका है, अब 10 साल बाद ले जाइए आप। तो बंधु इसमें क्या हो जाएंगे, 10 जुट जाएंगे और इसमें भी 10 जुट जाएंगे, ये हो जाएंगे 75 75, ये हो जाएंगे बंधु आपका 45, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं है। अब इसको हम कटा देंगे 15 25 75, 15 3 45, यानी कि F और S का जो अनुपात होगा बंधु वो 5:3 हो जाएंगे, कब बंधु, 10 साल बाद हो जाएंगे, क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इसको समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बंधु एक बार फिर इसको समझने का कोशिश करिएगा आप कि वर्तमान में अगर उनका योग 100 है और 5 वर्ष पहले इनका 2:1 है, तो बंधु 5 वर्ष पहले इनको योग ले जाएंगे तो 5 ये भी घटा 5 ये भी घटा 10, तो कितना हो गया, 90। अब कह सकते हैं 5 वर्ष जो पहले है उन दोनों का योग 90 है और दोनों का अनुपात 2:1 है, तो 2 1 3 = 90, 1 = 30, तो 2 = 60, 1 = 30। लेकिन बंधु ये 5 साल पहले 60 है, 5 साल पहले 30 है, तो वर्तमान आएंगे बंधु 5 इसमें भी जुटेगा, 5 इसमें भी जुटेगा, ये 65 हो जाएंगे, ये 35 हो जाएंगे। अगर बंधु कहता कि वर्तमान में क्या होगा तो ये दोनों को देखते, लेकिन यहाँ भी नहीं कह रहा 10 साल बाद, तो 10 इसमें भी जोड़ेंगे, 10 इसमें भी जोड़ेंगे, ये 75 बंधु, ये 45, तो 15 25 75, 15 3 45, यानी 5:1 क्या हो गया बंधु, 3 हो गया, क्लियर हो गया, आप इनको समझ गए बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है बंधु, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी, ए की वर्तमान आयु है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, यानी ए और बी है जिसमें कहता 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष बिफोर उनका जो अनुपात है बंधु 11:14 क्या है, 14 है, और आगे चल के कहता है 4 वर्ष बाद उनकी आयु यानी 4 वर्ष बाद यानी आफ्टर बंधु 13:16 क्या है, 16 है। कहता ए की जो वर्तमान आयु है कितनी है बंधु। अब देखिएगा ये दो डाटा से आप कैसे इसको सबसे फास्ट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु। एक आपको हम लकीर देते हैं, इसी के सहारे आप समझिएगा, एक ट्रिक यहाँ पे हो जाएंगे वन लाइन का बंधु, माइंड में सेटअप रखिएगा, सबसे फास्ट बन जाएंगे। अगर बंधु ये 0 होता है और ये -3 -2 -1 फिर +1 फिर 2 3, बंधु अगर हम कहते हैं कि 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद कितने का अंतर है, कह देते हैं 6 वर्ष का है। क्या कहते हैं बंधु, 6 वर्ष, क्यों, क्योंकि देखिए ये 3 वर्ष पहले की बात है और 3 वर्ष बाद है, तो दोनों का अंतर क्या हो गया बंधु, 6, यानी कह सकते हैं कि देखिएगा बिफोर और आफ्टर रहेगा तो ये जूट जाएगा बंधु, क्या होगा, जूट जाएगा, एकदम समझिएगा ये क्या होगा, जूट जाएगा। अब देखिएगा 3 वर्ष बाद और 3 वर्ष पूर्व भी रहे बंधु, और दोनों का अंतर देखेंगे तो भी क्या होगा, जुट जाएगा, यानी आफ्टर और बिफोर रहेगा तो भी जुट जाएगा, क्लियर है बंधु। यानी बिफोर आफ्टर जिस प्रकार देखे जोड़ देना, आफ्टर बिफोर देखेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये समझ गए बंधु। अब देखिएगा अगर कह देंगे 2 और 3 का बीच कितना अंतर हो, कितना होगा दोनों के बीच आयु का अंतर बंधु, या दोनों के बीच अंतर क्या होगा, कहेंगे सर 3 और 2 के बीच एक ही का गैप है तो 1 अंतर होगा, तो बंधु ये भी आपका आफ्टर हुआ, ये भी हुआ, यानी इधर बाद में है, तो बंधु आफ्टर आफ्टर रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा, क्या होगा बंधु, घट जाएगा, क्या याद रखेंगे, घट जाएगा। अब बिफोर का बात करें बंधु, ये भी 3 बिफोर में रहे 2 बिफोर में रहे, दोनों के अंतर पूछेंगे तो बंधु घटा के ही बताएंगे कि 3 में 2 गया अंतर बंधु 1 होगा, तो इसमें कहेंगे बिफोर बिफोर रहेगा तो भी घट जाएगा। यानी बंधु एक ट्रिक बना दी, इसको समझिएगा, माइंड में सेटअप रखिएगा, इसके सारे बंधु हम ये बता दिए कि बिफोर आफ्टर रहेगा, जुटेगा कैसे बंधु, इधर -3 +3 दोनों के बीच अंतर 6 होता बंधु, तो दोनों जुड़िए तो ना बताए 6, इसलिए बंधु बिफोर आफ्टर जुटेगा, आफ्टर बिफोर जुटेगा,
आफ्टर आफ्टर घटेगा, बिफोर बिफोर घटेगा बंधु, क्लियर है। अगर एक उदाहरण देते हैं कि 5 वर्ष बाद मेरा उम्र अगर मान लीजिए बंधु 30 होता है, सपोज डेट 30 होता है, 5 वर्ष बाद आपका उम्र बंधु 35 होता है, तो 35 और 30 कितना का अंतर, 5 का बंधु, यानी कि जब आपका भी आफ्टर है मेरा भी आफ्टर है तो घटेगा, अगर बिफोर मेरा भी और आपका भी है तो घटेगा, और बिफोर आफ्टर रहेगा जुटेगा, आफ्टर बिफोर रहेगा तो बंधु क्या होगा, जुटेगा। अब देखिएगा यहाँ यही कंडीशन देखना बंधु, 4 वर्ष पहले ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो दोनों का अंतर बंधु कितने वर्ष का, पहले देखिए 4 वर्ष पहले से आए, 4 वर्ष बाद आए, तो 4 4 कितना बंधु 8, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बंधु, यहाँ पे 11:14 था 4 वर्ष पहले इसका, और 4 वर्ष बाद 13:16 हो जाता है, तो बंधु यहाँ से यहाँ आने में इसका कितना अनुपात परिवर्तन हुआ, यहाँ से यहाँ आने में इसका कितना अनुपात परिवर्तन हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो बंधु यहाँ देख रहे हैं 14 से 16 गया कितना, 2 अनुपात बढ़ा बंधु, और यहाँ 11 से 13 गया कितना बढ़ा, 2 अनुपात बढ़ा, यानी यही अनुपात 2 बढ़ने में कितना साल लग गया बंधु, 8 वर्ष लग गया, क्योंकि 4 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद आया, यानी 8 वर्ष लगा, ये 8 वर्ष के दरमियान कितना अनुपात बढ़ा 2, क्योंकि 14 से 16 जाना 2 बढ़ना, 11 से 13 जाना 2 बढ़ना, यानी 2 अनुपात बढ़ने का सीधा सीधी 8 है, तो 1 से कितना हो जाएंगे बंधु, 4 हो जाएंगे। कह रहा है कि ए का प्रेजेंट टाइम बताना है कितना उम्र होगा, तो यहाँ से बनाए बंधु, यहाँ से बनाए एक ही बात पड़ेगा, तो देखिए 1 = 4 = 11 = 11 = 44, अगर बंधु यहाँ से चलेंगे 1 = 4 = 13 = 52, अगर इनका पैता बंधु 14 चौकी कितना लिख देते 56 लिख देते, 16 चौकी कितना लिख देते 64 लिख देते। अब बंधु ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए की वर्तमान आयु, बंधु यहाँ से भी वर्तमान निकाल सकते, यहाँ से भी आप वर्तमान निकाल सकते, ध्यान दीजिएगा। अगर बंधु ये 4 वर्ष पूर्व में इसका उम्र 44 है, तो प्रेजेंट टाइम क्या होगा बंधु, 4 इसमें जुड़ जाएगा, तो 44 4 कितना हो जाएंगे बंधु, 48 वर्ष हो जाएंगे। क्या कि कोई किसी का भी उम्र अगर 4 वर्ष पहले 44 है, उसी से पूछिए कि प्रेजेंट टाइम कितना होंगे, कहेंगे सर 4 वर्ष पहले हम 44 थे, तो अभी हो जाएंगे 48 वर्ष। अगर बंधु इससे देखिएगा 4 वर्ष बाद कोई उम्र होगा 52 वर्ष, तो प्रेजेंट टाइम क्या है बंधु, तो घट जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे बंधु, 48 हो जाएंगे, यानी यहाँ से निकालिए या तो यहाँ से निकालिए, कोई दिक्कत बंधु नहीं है। अब ये चीज़ यही ध्यान रखना है आपको इस टॉपिक में, और इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे, बिफोर आफ्टर होगा बंधु क्या होगा, जुटेगा, आफ्टर बिफोर यानी ए ऊपर बी नीचे लिखा तो भी जुटेगा, यानी ये सेम सेम होगा बंधु घटेगा, सेम सेम सीधा अर्थ है, या तो इस तरह भी रहेगा या तो इस तरह, ये दोनों का अंतर घटा के निकालेंगे, ये भी दोनों का अंतर जो घटा के ही निकालेंगे, ये हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए बंधु, इस प्रॉपर्टीज के सहारे ये प्रश्न पढ़े। अब देखिएगा यहाँ एक फिर एक बार समझा रहा है, ध्यान दीजिएगा बंधु, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, यहाँ से यहाँ आने, देखिएगा 4 वर्ष पहले इस प्रेजेंट आएंगे तो 4 साल लग जाएगा, फिर देखिए बंधु 4 साल बाद जाएंगे तो 8 वर्ष लगेगा नहीं, यही 8 वर्ष होने में इसको कितना अनुपात बढ़ना पड़ा, 14 से 16 2 बढ़ना, 11 से 13 2 बढ़ना, 2 = 8 तो 1 = 4, इसलिए 11 = 44 वर्ष अगर 4 वर्ष पहले होता है तो वर्तमान में क्या हो जाएंगे बंधु, 48 वर्ष हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए, इसी विधि से बंधु सारे सवाल को बनाएंगे, कहीं एक्स वाई जेड मानने का जरूरत नहीं पड़ेगा बंधु, और आप एक बार बना लेंगे तो समझ लीजिए सबसे फास्ट आपका सवाल बनेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर, अगला जो सवाल है देखिए किस प्रकार से पिछले सवाल की ही तरह बंधु ये सवाल है, अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को अगर कोई परेशानी हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा बंधु, वो ध्यान दीजिएगा। कहता है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी, बी की वर्तमान आयु है, तो बंधु देखिए ए है और आपका क्या है बी है, जिनमें कह रहा है 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष बिफोर बंधु, उनका अनुपात जो है क्या है 4:5 के अनुपात में थी, 7 वर्ष बाद यानी 7 वर्ष बंधु आफ्टर, देखिएगा 7 वर्ष आफ्टर 5:6 के अनुपात में होगी, यानी ये 5 हो जाएंगे बंधु, ये 6 हो जाएंगे, कहता बी की वर्तमान आयु क्या है, तो यही निकालना है बंधु। अब देखिएगा 7 साल पहले से 7 साल बाद जाएंगे, बिफोर आफ्टर जुटेगा, तो ऐसे कितना हो जाएंगे बंधु 14 हो जाएंगे, अगर ऐसे जोड़ भूल गए कि बिफोर आफ्टर जुटेगा तो ये भी समझ लीजिएगा कि ये 7 वर्ष पहले है, वर्तमान आएंगे तो 7 साल लगेगा, फिर बाद जाएंगे 7 साल तो कितना साल लगेगा,
14 साल लगेगा, तो ऐसे भी समझ सकते बंधु। अब देखिए तू यही 14 साल में क्या परिवर्तन हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये 5 था तो 6 हो गया, ये 4 था तो ये 5 हो गया, यानी एक अनुपात बढ़ने का अर्थ सीधा सीधे 14 वर्ष बढ़ जाना। इसीलिए बी का पूछ रहा बंधु, या तो यहाँ से निकाले या तो यहाँ से निकाले। तो 1 = 14, 5 = 14, 75, 70, ये बंधु देख लीजिए 7 साल पहले ही अगर 70 है तो वर्तमान में कितना होगा बंधु, तो 7 वर्ष जुटेगा तो कितना हो जाएंगे, 77 वर्ष हो जाएंगे बंधु। अगर कोई कहेगा ना इससे निकालेंगे, तो निकाल लो ना भाई, 1 = 14, 6 = 14, 84। अगर बंधु 7 साल के बाद अगर कोई 84 वर्ष का होगा तो बताइए वर्तमान में कितना होगा बंधु, 7 साल घटाएंगे क्योंकि बाद दिया हुआ बंधु, तो इसमें हम घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे, 77 वर्ष यहाँ भी हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, कहीं किसी को दिक्कत नहीं। और आप देख पा रहे हैं इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर कितने में बंधु, 4 नंबर में है। यानी इस प्रकार प्रश्न आप बंधु आसानी से अब बना लेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से। बंधु ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बंधु लग रहा होगा कि प्रश्न सर एक ही जैसा है और आप फिर इसको बताएं, तो बंधु इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे इसको आप बनाएंगे। देखिएगा ए और बी है, लेकिन कब, 4 वर्ष पहले बंधु, 4 वर्ष बिफोर की बात है, उनका जो अनुपात था वो कितना था, 2:3। क्लियर है बंधु, कहीं को दिक्कत नहीं, आपके ये प्रश्न में लिखा हुआ है 4 वर्ष पश्चात, यानी कब, 4 वर्ष पश्चात यानी आफ्टर। बंधु देख लीजिए ये अनुपात 5:7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब बंधु कहता है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, ये 4 साल पहले से 4 साल बाद आने में इनको टोटल कितना साल लग गया, 8 वर्ष लग गया बंधु, 8 साल लग गया। ये 8 साल के दरमियान देख रहे बंधु, ए जो था वो 2:5 बढ़ रहा है, यानी कि 2 पहले अनुपात था और अभी 5 हो रहा, मतलब कि 4 साल बाद ये 5 हो जा रहा है बंधु, तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है इसमें। लेकिन बंधु बी में देखिएगा, यहाँ पे 3 है और ये 7 हो रहा है बंधु, कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। और अभी तक जो 2 सवाल आपने बनाए बंधु, उसमें देख रहे थे कि ये और ये और ये और इसका अंतर क्या हो रहा था, समान हो रहा था। अगर इधर 2 बढ़ रहा था तो इधर भी 2 बढ़ रहा था, अगर इधर 3 बढ़ रहा था तो इधर भी 3 बढ़ रहा था। लेकिन बंधु इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2:5 3 अनुपात बढ़ना, ये 3:7 4 अनुपात बढ़ना बंधु कितने साल में, 8 साल में बढ़ा है। और हम पहले भी बात कर चुके हैं बंधु कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों स्थितियों में अंतर होता है समान। अगर कोई बंधु 3 अनुपात बढ़ रहा है, अगर कोई 4 बढ़ रहा है, तो बंधु ऐसा तो संभव नहीं है, जितना ये बढ़ना चाहिए उतना इनको भी बढ़ना चाहिए। लेकिन इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा बंधु, जब इस तरह के आपके प्रश्न रहे तो ध्यान दीजिएगा कि जितना ये बढ़ना चाहिए उतना ये बढ़ना चाहिए, तो कैसे बराबर करेंगे, तो इन दोनों के अंतर जो बंधु इसमें गुणा कर देंगे और इन दोनों का जो अंतर है इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिएगा 5 और 7 में अंतर कितना बंधु, 2, तो इसमें गुणा करेंगे 2 × 4 और 3 × 6, जब बंधु गुणा करके जो मान आएगा वो हमारा मान होगा, इनकी वैलिडिटी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बंधु आप जानते हैं जिस सिम में रिचार्ज नहीं कराइएगा, जब वैलिडिटी पार हो जाएगा तो कभी चालू होगा बंधु, जब नहीं होगा तो इसकी वैलिडिटी क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी ये आप काम में हमारा नहीं आएंगे, जिनका वैलिडिटी समाप्त वो काम में नहीं आएंगे। अब बंधु देखिए हम क्या बोले थे, इनके अंतर को इनमें गुणा करेंगे, 2 और 3 का अंतर कितना, 1, तो 1 से गुणा करेंगे, 5 में 5 ही रह गया, इसमें गुणा किए तो 7 का 7 ही गया, यानी ये वैलिडिटी बच गया बंधु, यानी इनके अंतर को हम इनमें गुणा कर दिए। क्लियर है, अब देख रहे हैं कि 6 से 7 कितना बढ़ा बंधु, 1 बढ़ा, और 4 से 5 कितना बढ़ा बंधु, 1 बढ़ा, और यही 1 बढ़ने में कितना साल लग गया बंधु, 8 वर्ष लग गया। क्लियर है, अब कहता है दोनों का आयु वर्तमान में चाहिए, तो दोनों को निकालेंगे बंधु, या तो यहां से या तो यहां से, यहां से निकालिए, तो 1 = 8, तो 4 = बंधु कितना, 8 × 32, तो 1 = 8, तो 6 = बंधु कितना, 8 × 6
48, यानी बंधु देख लीजिए कि ये 32 वर्ष जो ए है वो 4 वर्ष पहले की बात हो रहा है, तो इसमें वर्तमान आएंगे बंधु तो 4 जुटेगा, 32 4 कितना हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, और इसमें देखिए बंधु 4 वर्ष पहले ये 48 हो रहा है तो वर्तमान आएंगे बंधु तो 4 साल जोड़ेंगे तो 48 4 क्या हो जाएंगे बंधु 52 हो जाएंगे, यानी जो वर्तमान में ए की उम्र होंगे वो 36 होंगे और जो बी की उम्र होंगे बंधु 52 होंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो आपका ऑप्शन है वो कितने नंबर पे बंधु 4 नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, यानी इस प्रकार के भी प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो एक बार फिर समझिएगा, इनके अंतर को इनमें गुना करें, 2 और 3 का अंतर 1 है तो 1 5 का 5, 1 7 का 7 हो गया, और इन दोनों का अंतर बंधु 2 है तो 2 2 4 3 2 6 हो गया। क्लियर है बंधु, आप इनको बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से और इस बात किस प्रकार से बनाएंगे। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। तो बंधु ध्यान देना है, दो भाई है ए और बी है जिनका वर्तमान में अनुपात 1:2 है और कहता है बंधु 5 प्रेजेंट टाइम है और आपका 5 साल पहले की बात है, इसका 1:3 क्या था 3 था। अब बंधु 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष पश्चात पहले हम उनका क्या जानेंगे बंधु, उम्र जानेंगे, आयु जानेंगे, क्या है तब अनुपात निकालेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु, यहाँ पे प्रेजेंट से 5 साल बिफोर जाना तो दोनों का अंतर बंधु कितना 5 साल का, क्योंकि यहाँ से बंधु यहाँ तक देखिएगा, यहाँ हमारा -5 यानी बिफोर में बंधु, यहाँ हमारा वर्तमान में प्रेजेंट टाइम, यहाँ से यहाँ देख रहे 5 ही साल का अंतर है, और अभी जो प्रश्न पढ़ रहे थे आफ्टर बिफोर बिफोर आफ्टर बंधु तो जोड़ रहे थे क्योंकि हम यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे थे, है ना। तो देखिए प्रेजेंट से 5 साल बिफोर जाना यानी ये दोनों का अंतर कितना 5 साल का, ये 5 साल जब पीछे जा रहे हैं बंधु, 5 साल का अंतर में देख रहे अनुपात का कितना अंतर हो रहा है, तो 2 से ये बंधु 3 बढ़ रहा है, पीछे जाना यानी कि हम पहले जाएंगे, बिफोर जाएंगे तो घटना चाहिए, तो यहाँ पे बढ़ रहा है। और ये देखिए बंधु क्या है, उदासीन है यानी परिवर्तन नहीं है, तो आप जानते हैं कि अगर ये व्यक्ति अगर घटेगा तो ये भी व्यक्ति उतना घटेगा, अगर 5 साल ये घटेगा तो 5 साल घटेगा, तो अनुपात परिवर्तन आपका होगा, लेकिन अंतर तो बंधु यहाँ पे बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो है नहीं। तो इनको हम क्या बताए थे अभी पिछले सवाल में पढ़े थे, तो इसका अंतर क्या करेंगे बंधु, समान करेंगे, तो इनका गुना इनमें करेंगे अंतर का, और इनका गुना अंतर इनमें कर देंगे। देखिए 1 और 2 में अंतर कितना 1 1 1 1 3 यही रह गया बंधु। अब देखिए 1 और 3 का अंतर कितना 2 2 1 2 और 2 2 4 यानी इनकी वैलिडिटी क्या हो गया समाप्त, जिनकी वैलिडिटी समाप्त हो जाए उनको हम लेंगे नहीं। अब देखिए 4 में 3 तो 1 पीछे जा रहा है बंधु अनुपात, 2 में 1 1 जा रहा है पीछे, यानी 2 1 का अंतर 1 4 3 का अंतर 1, तो 1 बराबर कितना बंधु 5। क्लियर है, जब 1 बराबर 5 तो इधर देखिए 5 2 10 और 5 4 20। अब देखिए बंधु वर्तमान में जो ए का हमारा है और ये बी का है, ए का 10 है बंधु और बी का कितना है 20 है, इनका आयु है जो कि वर्तमान में है, हमको चाहिए कब 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद चाहिए, तो 5 साल बंधु इनमें भी ऐड हो जाएगा और 5 साल इनमें भी ऐड हो जाएगा, तो ये बंधु हो जाएंगे 15 और ये हो जाएंगे कितना 25। अब देखिए बंधु 5 दिया 15 5 25 यानी 3:5 यानी ए और बी का जो होगा, जो हमारे पास दो भाई है बंधु, हमने ए भी दो भाई लिए थे, तो दो भाई का जो अनुपात होगा 5 साल के बाद वो क्या हो जाएंगे बंधु 3:5 के अनुपात में हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है 3रा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, समझ गए, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। अगला प्रश्न है हमारे मित्र बंधु, राहुल तथा रसिम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा, राहुल की वर्तमान आयु कितनी है। तो उसी प्रकार प्रश्न है बंधु, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा जो कि आप बना लेंगे। बंधु हमारे पास एक राहुल है और दूसरा हमारे पास रसिम है बंधु, जिनका कह रहा है कि वर्तमान आयु का जो अनुपात है 2:1 है, यानी ये 2 के अनुपात में और ये 1 के अनुपात में इन प्रेजेंट टाइम। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता 30 वर्ष पश्चात यानी 30 वर्ष बाद यानी 30 वर्ष आफ्टर, पश्चात को आफ्टर, बाद को आफ्टर सूचित करते हैं,
उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा, ये 7 के अनुपात में होगा, ये 6 के अनुपात में होगा। क्लियर है बंधु? यानी आज से 30 साल बाद तो ये दोनों का अंतर बंधु कितना, 30 साल परिवर्तन हो रहा है, 30 वर्ष आज से 30 साल बाद का मतलब ये 30 साल का अंतर। क्लियर है बंधु? अरे ये बिफोर और आफ्टर रहता तो भैया इधर से इधर हम लेके जोड़ के लेते, लेकिन ये प्रेजेंट से आफ्टर जा रहा है, यानी 30 साल का ही अंतर हो रहा है, यानी आज से 30 साल जाना, यानी 30 साल में देखेंगे कितना अनुपात परिवर्तन हुआ। तो बंधु 1 से 6 5, 2 से 7 5, अभी दोनों में अंतर बंधु क्या है, समान है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 5 से क्या हो गया 30, तो 1 से बंधु क्या हो जाएंगे 6। तो किसका कह रहा है, राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, तो राहुल का वर्तमान में अनुपात कितना बंधु 2 है, तो 2 बराबर क्या होगा 6 दूनी 12, यानी राहुल की जो वर्तमान आयु होंगे बंधु वो क्या हो जाएंगे 12 वर्ष हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहां पे देख रहे हैं बंधु 3 नंबर में है। क्लियर हो गया? आप सब इनको समझ गए? इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे बंधु आप आसानी से बना लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से और आप इसको किस प्रकार बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल है हमारे मित्र बंधु, 18 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 8:13 था, उनकी उम्र का वर्तमान अनुपात 5:7 है, ए की वर्तमान उम्र कितनी है। तो बंधु ए और बी है जो कि 18 वर्ष पहले की बात हो रहा है, बिफोर की बात हो रहा है बंधु, कह रहा है 18 वर्ष पहले उनका जो अनुपात है 8:13 में है, यानी ये 8 में है, तो बंधु ये क्या है 13 में है। आगे चल के कहता है बंधु उनकी उम्र का वर्तमान अनुपात कितना है 5:7, यानी जो प्रेजेंट टाइम इनका अनुपात है वो अनुपात है 5:7 बंधु 7 है। तो कहता है ए की वर्तमान उम्र कितनी है। तो बंधु अब यहां ध्यान दीजिएगा कि 18 साल बिफोर से प्रेजेंट आने में कितना समय लगा बंधु 18 वर्ष लगा, यानी कह सकते हैं इन दोनों का अंतर कितना है 18 वर्ष है, यहाँ पे हमने 18 वर्ष रख दिया। क्लियर है कि 18 वर्ष बिफोर से प्रेजेंट टाइम आने में 18 वर्ष लगा, तो 18 वर्ष जैसे लगा तो देखे अनुपात कितना आया, तो कितना से कितना बढ़ा है, कितना से किसका अंतर हुआ है बंधु इसको देखना है। अब देख रहे हैं कि 18 वर्ष पहले उसका 13 के अनुपात में है, अभी 7 हो गया, तो बंधु देख रहे हैं कि 6 का अंतर हो गया, यहाँ पे ये 8 है बंधु ये 5 हो गया, तो देख रहे 3 का अंतर हो गया। तो अनुपात यानी कहने का अर्थ है कि समान अंतर नहीं है, तो अंतर समान कर देंगे। तो क्या बताए थे बंधु कि इन दोनों का जो अंतर होगा इनमें गुना करेंगे, इनका जो अंतर होगा इनमें गुना करेंगे। अब देख लीजिए हमारे मित्र बंधु यहाँ पे क्या है कि इनका जो अंतर है बंधु कितना है 5 और 7 का, यानी 2 अंतर है, तो ये 2 से गुना करेंगे 8 × 16 = 13 × 26, इनकी वैलिडिटी क्या हो गया बंधु खत्म हो गया। अब इनमें देखिए 8 और 13 का अंतर कितना है 5 है, तो देखिएगा 5 है 25 और 7 5 35, तो इनका भी वैलिडिटी क्या हो गया बंधु समाप्त हो गया। अब आप यहाँ देखिएगा कि ये 16 से 25 अगर बढ़ रहा है, क्योंकि बंधु ये बिफोर से प्रेजेंट जाएंगे तो अनुपात इसे भी बढ़ना चाहिए था, तो बंधु 16 से 25 देख रहे 9 का अंतर हो रहा है, और बंधु 26 से 35 9 का आ रहा है, और यही 9 बराबर कितना बंधु 18 वर्ष, तो 1 बराबर बंधु कितना वर्ष 2 वर्ष। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लीजिए कहता है ए की वर्तमान उम्र कितनी है, तो बंधु ये प्रेजेंट टाइम का अनुपात हमारा यहाँ आ चुका है 25 35 में, तो देखिए आई कितना है ए का पूछ रहा है 25, तो 1 बराबर 2, तो 25 बराबर कितना बंधु 25 × 2 कितना हो जाएंगे 50 वर्ष हो जाएंगे, यानी कि जो आपका आंसर होंगे बंधु वो क्या होंगे ऑप्शन नंबर 3 में होंगे। क्लियर हो गया? आप इनको समझ गए? तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न किस प्रकार से है। ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, 6 वर्ष पश्चात ए 26 का हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु क्या है। तो बंधु आपके पास ए है और बी है जिनका आयु का अनुपात 4:3 है, तो बंधु है का मतलब है ये प्रेजेंट टाइम इनका 4 है और इनका कितना बंधु 3 है। आगे चल के कहता है 6 वर्ष पश्चात, यानी बंधु 6 साल बाद, यानी जो है ए की आयु कहते हैं 26 वर्ष हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है बंधु, ये अनुपात अगर निकाल देंगे तो बी की वर्तमान आयु हमारा निकल जाएंगे। क्लियर है बंधु? तो यहाँ से हम पहले यहाँ जाएंगे, तो इनके सहारे हम फिर यहाँ जाएंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए बंधु, 6 साल के बाद वो 26 होगा, तो निश्चित है कि वर्तमान में बंधु ये कितना होगा, तो 26 में 6 घटा देंगे बंधु क्या होगा 20 होगा। एक चीज आप भी ऐसे सोच लीजिए कि अब देखिएगा
छह साल बाद आपका 26 होगा। अभी अगर आपका क्या नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि भाई हमारा 6 साल बाद 26 हो जाएगा, तो हम अभी कितना में है, तो 20 में, तो 26 में 6 घटा दिए बंधु 20, और यही जो वर्तमान में 20 है बंधु, तो वर्तमान का अनुपात क्या है 4, तो 4 बराबर 20, तो 1 बराबर बंधु कितना 5, इसलिए बी का 3 बराबर कितना 5 × 15 वर्ष, यानी जो बी का वर्तमान आयु बंधु क्या है 15 वर्ष। तो कैसे निकाले, तो सबसे पहले 6 साल बाद ही 26 होगा, तो इसका मतलब वर्तमान में 20 है, और यही 20 बंधु वर्तमान में 4 के अनुपात बराबर है, क्योंकि ये अनुपात वर्तमान में दिया है, तो 4 बराबर 20, 1 बराबर 5, इसलिए 3 बराबर कितना हो जाएंगे 15 वर्ष। क्लियर हो गया बंधु, आप इनको समझ गए, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है, उसके पुत्र की आयु उसके आयु की 1/10 गुना है, उसके पुत्र की 2 वर्ष बाद आयु कितनी है। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, ए का मैरिज यानी 6 वर्ष पहले हुआ, बिफोर हुआ का, तो अब उसकी आयु किसका, ए का बंधु प्रेजेंट टाइम आयु देखना है, उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है, अगर ये 1 है तो ये 1/1/4 गुना उसके विवाह से तुलना कर रहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की 2 वर्ष बाद आयु कितनी होंगे। तो बंधु उसके पुत्र की आयु तभी निकाल पाएंगे जब उसकी हम आयु निकाल पाएंगे, तो उसका 1/10 करेंगे तो पुत्र आएगा, पुत्र का 2 वर्ष बाद हम निकाल लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा बंधु, ये प्रेजेंट टाइम की बात है और ये शादी के समय की बात, तो शादी के समय एक और अभी इतना, तो इसको पहले सिंपल में करिए, तो 4 × 4 = 5/4, अगर ये 5/4 है बंधु, तो ये कितना 1 है, इनको हल करेंगे तो 4 × 4 इधर क्या हो गया 5, यानी 5 × 4 हो गया। अब कह सकते हैं बंधु, जो हम पहले कर रहे थे कि शादी के समय से अभी जो है वो 1/1/4 गुना है, तो शादी के समय अगर 4 है बंधु, तो अभी ये कितना है 5 है, तो इन दोनों में देख रहे हैं कितने का अंतर हो गया बंधु, 1 अनुपात बढ़ा, यही 1 अनुपात बढ़ने में कितना साल लगा, 6 साल लगा बंधु। ये समझ गए तो सारा सारा सवाल समझ गए बंधु कैसे, क्योंकि 6 साल पहले उनका शादी हुआ, अभी का जो हम तुलना कर रहे हैं बंधु, तो 6 साल से अभी आने में उनको 6 साल लगा होगा, तो 6 साल का जैसे 6 वर्ष का अंतर हुआ बंधु, 6 साल का अंतर हुआ, उसके लिए कितना अनुपात बढ़ा, 1 तो 1 बराबर 6। अब देखिए इनका वर्तमान चलेंगे बंधु, तो यहाँ आ जाएंगे, देखिएगा 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 6 × 5 = 30। अब जैसे 30 वर्ष निकला बंधु किसका, ए का आयु, तो जब ए का आयु निकला 30 वर्ष बंधु, ये वर्तमान में कह रहा है उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु के 1/10 गुना, तो पुत्र की आयु जैसे निकालिएगा, तो देखिए उसकी आयु, तो उसकी आयु कितना 30, 30 का कितना बंधु 1/10, तो 10 × 30, तो पुत्र की आयु बंधु कितना आ जाएंगे 3 वर्ष हो जाएंगे। अगर वर्तमान कहता बंधु हम 3 वर्ष लगा देते, हमारा ऑप्शन भी दिया हुआ है 3 वर्ष का, लेकिन वर्तमान बंधु नहीं कह रहा, कह क्या रहा है ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कहेगा बंधु, 2 इसमें जोड़ देंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएंगे 5 वर्ष के हो जाएंगे, यानी 2 वर्ष बाद जो उनके पुत्र की आयु होंगे बंधु वो 5 वर्ष होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे 4 में। क्लियर है बंधु, समझ गए, अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत हुआ थोड़ा सा समझिएगा बंधु, शादी के समय से इनका जो गुना है 1/1/4 गुना, इसको सिंपल किए 5/4, तो इधर 4 बंधु इधर 5, उस समय 4 था, ये भी वर्तमान में 5 है, तो 4 से 5 आने में बंधु कितना अनुपात बढ़ा, 1 और ये 1 बढ़ाने में कितना साल लगा 6 साल, क्योंकि 6 साल पहले आपका विवाह हुआ, अभी हम आ रहे हैं, तो 6 साल का गैप हुआ बंधु, तो यही 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 6 × 5 = 30, पुत्र निकालेंगे उसकी आयु का 1/10 है, तो 3 वर्ष वर्तमान कहता 3 वर्ष, और 2 साल बाद कहेगा तो 5 वर्ष। क्लियर है बंधु, जो ऑप्शन नंबर आप 4 में देख रहे हैं, तो पूरी तरह से आप आयु का सवाल बंधु समझ गए। किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यह क्लास आपका आज का कैसा लगा बंधु जरूर आप फीडबैक दें, अगर आप फीडबैक नहीं देंगे, नहीं हमको बताएंगे बंधु, तो हम आपको कैसे हम समझ पाएंगे कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, इसलिए बंधु आप सब कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो बंधु लाइक और शेयर जरूर करें, और शेयर इसलिए करें बंधु, जो भी भाई बंधु अभी तक नहीं जुड़े हों वो जुड़ सके और लाभ उठा सके, और अभी देख रहे बंधु बहुत बड़ा भयंकर महामारी चल रहा है, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मस्ती से सवाल को बनाएं बंधु, आने वाले एग्जाम में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो आज क्लास यहीं पे बंद कर रहे हैं बंधु, फिर हम आप सबों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को अनिमेश क्लासेस बाका के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।